हेलो चिल्ड्रन, आपका क्विज में रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। वेल डन बच्चों। अब मैं जानती हूं कि आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि आपकी साइंस के उन 5 प्रश्नों की सही उत्तर क्या थे। तो चलिए क्लियर करते हैं आपके डाउट्स। आपका पहला प्रश्न था, विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को कौन दर्शाता है? व्हाट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल? एंड द ऑप्शंस आर, पहला विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, तीसरा विद्युत प्रवाह करंट फ्लो, और चौथा उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। बच्चों, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था, ये जो डेफिनेशन है कि विद्युत परिपथ किसी सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा और कुछ सोचना था ही नहीं, बिल्कुल क्लियर था। इसका सही उत्तर होगा विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। और साइंस में आपका दूसरा सवाल था, विद्युत धारा प्रवाह रुकने पर क्या नहीं होगा? यहां पर आपसे पूछा गया है, व्हाट विल नॉट हैपन इफ द इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स फ्लोइंग? एंड द ऑप्शंस आर, पहला परिपथ टूट जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी ब्रोकन, दूसरा परिपथ एक बंद परिपथ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी अ क्लोज सर्किट, तीसरा विद्युत प्रवाह बंद हो जाएगा, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, चौथा परिपथ एक खुला परिपथ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी एन ओपन सर्किट। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था जैसे कि लेक्चर नंबर 3 में, कि अगर आप एक सेल को कनेक्ट करते हैं किसी बल्ब से, तो जो विद्युत धारा की दिशा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से घूमते हुए नेगेटिव टर्मिनल की ओर आती है, और जब ये करंट का फ्लो अगर रुक जाएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है विद्युत धारा प्रवाह रुकने पर क्या नहीं होगा, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो फ्लो हो रहा है, अगर वो रुक जाएगा तो परिपथ टूट जाएगा। ये बात तो सही है, अगर करंट जो है वो रुक गया है फ्लो होना, तो इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो टूटा हुआ है। दूसरा, परिपथ एक बंद परिपथ हो जाएगा, ये बात गलत है, क्योंकि अगर हमारा सर्किट क्लोज है तो हमारा विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक ही नहीं सकता। अगर सर्किट क्लोज है तो करंट जो है फ्लो करता रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। तीसरा, विद्युत प्रवाह बंद हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। परिपथ एक खुला परिपथ हो जाएगा, अगर परिपथ खुला होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और क्योंकि यहां पूछा है विद्युत धारा रुकने पर क्या नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, परिपथ एक बंद परिपथ हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि बंद परिपथ में तो इलेक्ट्रिक करंट खूब बढ़िया तरीके से फ्लो करता है। और बच्चों, साइंस में आपका प्रश्न नंबर 3 था, निम्न में से किस परिस्थिति में बल्ब दीप्तमान होगा? अंडर व्हाट कंडीशंस बल्ब ग्लोज? और आपका पहला ऑप्शन था, जब बल्ब का एक सिरा बैटरी के धन और दूसरा ऋण भाग से तार की सहायता से जुड़ा हो। When one end of the bulb is connected to positive end of the cell and the other is connected to the negative end of the cell with the help of wires। आपका दूसरा ऑप्शन था, जब बल्ब के दोनों सिरे बैटरी के धन भाग से तार की सहायता से जुड़े हों। When both the ends of the bulb are connected to positive end of the cell with the help of wires। आपका तीसरा ऑप्शन था, जब बल्ब के दोनों सिरे बैटरी के ऋण भाग से तार की सहायता से जुड़े हों। When both the ends of the cells are connected to negative end of the cell with the help of wires। और आपका चौथा ऑप्शन था, जब बल्ब के दोनों सिरे आपस में तार की सहायता से जुड़े हों। When both the ends of the bulb are connected to
ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स। बच्चों जैसा कि लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस किया था कि जब विद्युत धारा फ्लो करती है, प्रवाह करती है पॉजिटिव एंड से लेकर सेल के नेगेटिव एंड तक और बीच में जब बल्ब लगा होता है तो वो तब ग्लो करता है, यानी कि बल्ब तब ग्लो करेगा जब बल्ब का एक सिरा पॉजिटिव एंड से और दूसरा सिरा नेगेटिव एंड से जुड़ा होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ है, इसीलिए बल्ब का दोनों एंड से कनेक्ट होना जरूरी है। तो इसीलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब बल्ब का एक सिरा बैटरी के धन और दूसरा ऋण भाग से तार की सहायता से जुड़ा हो। और बच्चों साइंस में हमारा चौथा प्रश्न था, विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्तमान नहीं होता, इसका कारण है। बल्ब डजन नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी, व्हाई? इसके ऑप्शंस हैं, बल्ब फ्यूज होना, बल्ब इज फ्यूज। दूसरा, विद्युत प्रवाह ना होना, करंट इज नॉट फ्लोइंग। तीसरा, स्विच ऑफ होना, स्विच इज ऑफ। और चौथा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों हमने लेक्चर 4 जो हमारी एक्टिविटी वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस कंडीशंस में हमारा बल्ब जो है वो नहीं ग्लो करेगा, यानी कि नहीं जलेगा। तो वो कंडीशंस हमने डिस्कस की थी और वो कंडीशंस जो है इन तीनों ऑप्शंस में हैं। पहला, बल्ब फ्यूज होना, बल्ब फ्यूज होगा तो भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। विद्युत प्रवाह ना होना, अगर तारों के जोड़ ढीले हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं होगा। तीसरा, स्विच ऑफ होना, अगर स्विच ऑन ही नहीं है तो आपका परिपथ पूरा नहीं होगा जिसके कारण बल्ब नहीं जलेगा। और यही रीजन है कि इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। और क्विज में आपका पांचवा सवाल था साइंस का, बैटरी से सेल के टर्मिनल को जोड़ने का सही तरीका क्या है? व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग बैटरी टू द सेल टर्मिनल? एंड द ऑप्शंस आर, पहला, ऋण से ऋण, नेगेटिव टू नेगेटिव एंड। दूसरा, ऋण से धन, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। तीसरा, धन से धन, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड। और चौथा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों जैसा कि मैंने आपको अपनी लेक्चर 2 वीडियो में बताया था, जहां पर हमने टॉर्च के अंदर 3 सेल की बैटरी लगाई थी, वहां मैंने आपको क्लियर किया था एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा होगा, यानी कि अपोजिट टर्मिनल्स जुड़े होंगे एक सेल के दूसरे से, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसीलिए आपका सही जवाब है ऋण से धन। उपरोक्त सभी तो पॉसिबल नहीं है और सेम टर्मिनल्स अगर कनेक्टेड होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बच्चों आई एम श्योर आपके क्विज से रिलेटेड डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी सक्षम क्विज प्रतियोगिता के सभी क्वेश्चंस हमारी वीडियोस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो बच्चों इसलिए आने वाले लेक्चर वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाइए, सबमिट कीजिए अपने टीचर्स के पास और साथ ही आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे अपनी आने वाली क्विज के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।